जुनून वो फिल्म है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है एज अ स्टोरी टेलर एंड अ फिल्म मेकर. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन इन हिंदी सिनेमा. वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट इन एनी कैपेसिटी. एंड आई वुड वॉन्ट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल अल्टीमेटली टू सी अ मूवी लाइक दिस लाइक जुनून विच हैज इमेंस सिग्निफिकेंस एंड इमेंस एंटरटेनमेंट वैल्यू टू सिनेमा एंड टू लाइफ एज सच. हमारी सारी फिल्में उसमें दिखाई जा रही हैं और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन फिल्मों के लिए जो आमतौर पे जिन्हें थोड़ी सी मुश्किल होती है थिएटर में आने की, और थिएटर्स में आ पाती हैं तो उन्हें स्क्रीन्स मिलने की मुश्किल होती है क्योंकि कोई 200 करोड़ की फिल्म उसके सर पे आके बैठ जाती है तो छोटी फिल्में अक्सर दब जाती हैं इसमें. जैसा कि आँखों देखी फिल्म जो बहुत ही बेहतरीन थी उसके साथ हुआ और कई फिल्मों के साथ हुआ, तो ये कम से कम मामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नौजवान फिल्म मेकर्स और वो फिल्में जो मेन स्ट्रीम नहीं हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है. और बेहद खुशी है कि जुनून की स्क्रीनिंग आज यहाँ हो रही है. शशि साहब का इरादा ही ये था कि वो ऐसी फिल्में बना सकें जब उन्होंने फिल्म वाला कंपनी शुरू की थी जो कमर्शियल भी हों और यादगार भी रहें, और मेरे ख्याल से उनकी ये कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हुई. जुनून के ज़रिए उत्सव एक और फिल्म बनाई थी, उसके ज़रिए कलयुग जो श्याम साहब की दूसरी फिल्म थी उसके ज़रिए. तो जुनून पे मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं बहुत जज्बाती तौर पे बहुत मैं जुड़ा हुआ हूँ उस फिल्म के साथ, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आ जाकर.